भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम आरंभ करने से पहले इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शुभ लाभ, शुभ अर्थात अच्छा मंगलमय, और लाभ अर्थात फायदा मुनाफा। शुभ सदैव लाभ से पहले ही आता है, यानी कि अगर किसी का मंगल करोगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। नियत नेक और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे जाना चाहिए। अच्छी नियत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, अच्छी नियत से तिनके इकट्ठा करोगे तो ही घोंसला बनेगा, और बुरी नियत से इकट्ठे किए गए तिनके आपको झाड़ू के अलावा कुछ भी ना दे सकेंगे। पेड़ पर जरूरत से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियां टूटने लग जाती है, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। किस्मत पहिए के चक्र की तरह होती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थामे रखना, क्योंकि कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में तुम्हें भी जरूरत पड़ने ही वाली है। दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी मेहनत है, और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं। जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो स्वयं ही बुझ जाता है। परमात्मा से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, और सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। किसी मूर्ख से बहस ना करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असली मूर्ख है कौन। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, दौलत की सुरक्षा तुम करते हो मगर ज्ञान तुम्हारी सुरक्षा करता है। दो चीजें इंसान को हमेशा बहुत ज्यादा नजर आती है, एक तो अपनी समझदारी और दूसरा दूसरों की गलतियां। बहस से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसीलिए अपनों के साथ कभी ऐसी बहस मत करना कि आप बहस तो जीत जाओ पर अपनों को हार जाओ। पाप और पुण्य तो बस यही है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो है पाप, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वो है पुण्य। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हो पल की खबर नहीं है। दुनिया के हर एक इंसान से तुम जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता हो। अच्छा स्वभाव तो खूबी है जो सदा सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। कितना भी किसी से दूर हो जाओ पर अच्छे स्वभाव के कारण आप सभी के दिलों में रहोगे। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है, यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा, और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। कद्र तो वो करते हैं जो किसी की मौजूदगी में की जाए, बाद में तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। जैसे कि नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात व दिन मनुष्य की आयु को बहा ली जाती है कभी ना लौटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी बनी है, और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, जो बचाए हुए धन के बराबर ही होता है। ईमानदारी की कमाई इंसान खाते हैं, और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। दिलों को साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का ही होगा। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी,
पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार व छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव भी लाते हैं। तो जीवन में कुछ अच्छा करने से ये सोचकर कभी भी मत रुक जाना कि मेरे एक अकेले के कुछ करने से भला क्या ही हो सकता है। कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए। वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते नाते भी जरूरी है, पर जीवन की कठिन परिस्थितियाँ हमें ये बताती है कि अकेले रहने की कला का आना भी बहुत जरूरी है। जिन चार लोगों के साथ आप बैठकर दूसरों की निंदा करते हैं, यकीन मानिए आपके उठते ही वो चार लोग आपको भी बख्शेंगे नहीं। मोहब्बत दूर के लोगों को करीब व नफरत करीब के लोगों को दूर ले जाती है। बेहतर लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके काम संवार देता है, और जिनके काम रब संवार दे उन्हें भला कौन बिगाड़ सकता है। किए गए गुनाह किसी ना किसी सूरत में दिलों को बेचैन रखते हैं। शहद के सिवाय हर मीठी चीज में जहर है, और जहर के सिवाय हर कड़वी चीज में दवा है। रिश्ते निभाना हर एक के बस की बात नहीं। याद रखिए कभी कभी अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस वहम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। इंसान गैरों से मिली इज्जत व अपनों से मिले दुखों को कभी भी नहीं भुलाता। अपने नुकसान पर दुखी ना हुआ करो, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेता जब तक आपको उससे बेहतर ना दे दे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।